कोरोना महामारी में नगर सेविका समीक्षा सकरे ने अपने वार्ड क्रमांक 135 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग रक्तदान शिविर में रक्तदान करने पहुंचे। आपको बता दें, नगर सेविका समीक्षा सकरे मानखुर्द मांडाला इलाके में कई जगहों पर राशन किट वितरण कर रही है। वहीं वार्ड क्रमांक 135 में जगह जगह पर कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइज करा रही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, नगर सेविका समीक्षा सकरे खुद सैनिटाइज कर रही हैं। आपको बता दें, समीक्षा सकरे अपने वार्ड क्रमांक 135 में 24 घंटे जनता की सेवा में जुटी हुई हैं और सभी को उचित सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। वहीं रक्तदान शिविर में जिन लोगों ने रक्तदान किया, उन्हें मास्क, हैंड ग्लव्स व सैनिटाइजर दिया गया, जिसमें कोरोना महामारी से बचने के लिए नगर सेविका समीक्षा सकरे अपने वार्ड में कई बार मेडिकल कैंप करा चुकी हैं। आइए जानते हैं, नगर सेविका समीक्षा सकरे से किस तरह कोरोना महामारी में वो जनता की सेवा कर रही हैं। संवाददाता हर्षला शेट्टे के साथ खास मुलाकात। हमारे साथ नगर सेविका समीक्षा सकरे है, आइए उनसे बात करते हैं। समीक्षा जी, क्या कहना चाहोगे इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में? माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने हमें जो आदेश दिया है, पूरा महाराष्ट्र भर, मुंबई भर आदेश दिया है कि ब्लड डोनेट का कैंप रखो और लोगों को जो अभी ऑपरेशन सब हो रही है, चालू किए हैं, तो उन लोग के लिए ब्लड की बहुत ही कमी हो रही है, इसके लिए आप सब कैंप रखो करके हमें आदेश दे दिया है। इस आदेश का पालन करते हुए मैंने आज यहाँ मेरे 135 वार्ड में ये ब्लड डोनेट का कैंप रखा है। मुझे आशा है कि 150 तक ब्लड डोनर यहाँ हमें ब्लड डोनेट करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और हमारे यहाँ जो मेरा वार्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75-80% ये स्लम विभाग है, और स्लम में ये लॉकडाउन होने के बाद मेरे यहाँ मैंने 6 दिन के 2 कैंप लिए, और उसके बाद मैंने म्हाड़ा कॉलोनी में भी ये आरोग्य शिविर रखा, उसमें ऑक्सीमीटर का थर्मामीटर चेकिंग और यानी कि शारीरिक तापमान और कोविड की टेस्ट करके लोगों की ले ली है, ताकि लोगों को जो घबराहट थी तो घबराहट कम होने के लिए मैंने मेरे एरिया में ये महानगर पालिका के माध्यम से कोविड का कैंप रखा था, और उसका फ़ायदा बहुत ही लोगों ने लिया है। लोगों में अभी ये कोरोना जैसा महामारी जो है, उनका डर भी अभी बहुत ही कम होने लगा है, क्योंकि महानगर पालिका गए 2 महीने से पूरा एरिया में हर जगह कैंप ले रही है, उसके कारण बहुत से लोगों का अच्छे से चेकअप हो रहा है, और उनको सलाह भी दी जा रही है कि आप सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, और जो बुखार आता है, बुखार में टैबलेट कौन सी लेनी है, उसकी भी उनको जानकारी दे दी है। इसके लिए लोग खुद अपनी सेहत का ख्याल करने लगे हैं। आप क्या कहना चाहोगे, अभी इतने दिन आपने जो कैंप चालू किया है, लोगों का प्रतिसाद कैसा मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोग कैसे खुद का जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या कहोगे इसके बारे में? ये मैंने जब लॉकडाउन हुआ तब जो मैंने मंडाला विभाग में एकता नगर और शिवनेरी नगर में शारीरिक तापमान का यानी फीवर क्लिनिक का कैंप मैंने 6 दिन रखा था, तो उस टाइम लोगों ने 9 से 9,500 तक लोगों ने उसका लाभ उठाया है। तभी तो कोरोना का ज़्यादा फैलाव भी नहीं था, लेकिन लोगों के ने ये कैंप के कारण उनमें बहुत ही जानकारी आ गई है, उन्होंने खुद अपना शरीर का तापमान चेक करके ये इस बीमारी से दूर रहने का काम अच्छी तरह से किया है। और लोगों ने यहाँ मेरे वार्ड में बहुत ही यानी माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें जो आदेश दे रहे थे वारंवार टीवी पे चैनल के माध्यम से, वो आगे आके सबको आदेश दे रहे थे ताकि ये पालन करो, घर में ही रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, ताकि हमें हमारा कुटुंब अच्छा से रहना चाहिए, हम
अच्छे रहेंगे तो हमारा कुटुंब अच्छा रहेगा, और हमारा कुटुंब अच्छा रहेगा तो हमारा आजू बाजू का मोहल्ला भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए सब लोगों ने उनका आदेश का पालन किया है, हमने भी सब जगह मेरे पूरा एरिया में घूम के सबको लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मैंने पूरा जब शुरू ये महामारी हो गई तब से मैंने पूरा वार्ड में सैनिटाइजर का पूरा काम मार के ले लिया है। फिर लोगों को जो गरीब है गरजू है उन लोगों को धान्य का भी वाटप मैंने कम ज़्यादा नहीं कम से कम मैंने 2000 तक धान्य का वाटप लोगों को किया है। लेकिन पूरा एरिया को हम नहीं पूरा सा दे पाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश किया है और भी हमारा देने का काम चालू है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब हमारा महाराष्ट्र राज्य का बम्बई का बहुत ही अच्छा ख्याल कर रहे हैं। लोगों में रह के यहाँ लोगों का जो एक ही यानी कोई भी भेदभाव जात पात का राजकारण नहीं करते हुए उन्होंने सबको लेके चले हैं। इसके लिए सब जनता भी उनके ऊपर बहुत खुश है उनका काम देख के, और वो इतना संयमी वृत्ति से और फटाक जिसे कोई भी निर्णय लेने का होगा तो तुरंत निर्णय लेने का, ये उनका स्वभाव अच्छा होने के कारण लोगों में वो अच्छे मुख्यमंत्री है और अच्छा काम कर रहे हैं। उसका पोछतावती तो लोगों ने दे दिया, उनका 5वां क्रमांक पे मुख्यमंत्री हमारे उद्धव साहब है। तो कौन सा प्रशासन का कोई भी नॉलेज ना होते हुए भी उन्होंने राजकीय सामाजिक कार्य करते करते उनका नॉलेज जो नॉलेज था वो नॉलेज से उन्होंने अच्छा अपना कारोबार सीएम का अच्छा संभाला है। मैं आशा करती हूँ कि उनको अच्छा सा दीर्घायुष्य अच्छा हो, हाँ हमारा महाराष्ट्र का और अच्छा काम करे और महाराष्ट्र को नंबर वन पे लेके जाएंगे, ये हमें पूरी तरह से आशा है। और जैसे कि हमें पता है कि अभी मानसून आ चुका है, तो फिर यहाँ पर गट्टार नाले की सफाई के लिए आपने क्या अभी तक कैसा काम चल रहा है? जब से अभी महानगर पालिका का बारिश के पहले कभी भी नाला साफ करने का काम चालू होता है, इस बार भी बारिश अभी नज़दीक आ रहा है, आ भी चुका है। तो उसके पहले हमने एक महीने से ही पूरा नाले का साफ सफाई, बड़ा नाले का भी साफ सफाई करके लिया है, छोटे नाले का भी साफ सफाई हो गई है, और जो गली के छोटे गटर होते हैं वो भी साफ करने का काम शुरू है। 80% काम नाले का साफ करने का काम मेरे वार्ड में हुआ है, अभी जो 20% रह गया है वो काम भी चालू है। ये एक कोरोना का महामारी होने के कारण सब लोग में वो एक घबराहट है, तो भी ये घबराहट ही दूर करके ये युवा पीढ़ी के सब ज़्यादा करके युवा पीढ़ी के ही युवा यहाँ ये ब्लड डोनेशन में आ गए और अपना खुद खून दे रहे हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा मैंने फ़ोन पे से आपसे बात किया और आप मेरे विनंती को मान देके आज ये कैंप सक्सेस करके दिखाया। इस कैंप में जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको हमने आर्सेनिक एल्बम 30 की टैबलेट दे रहे हैं, उनको सैनिटाइजर की बोतल दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं और ग्लोव दे रहे हैं, और जनता को भी उसके साथ वो भी उनको भी बांट रहे हैं। तो फिर जनता को आप क्या अपील करना चाहोगे? जनता ने तो शुरू से लॉकडाउन के दिन से ही अच्छे से हमें सहयोग दिया है। हमारे जो पुलिस कर्मचारी है, आरोग्य अधिकारी है, आरोग्य कर्मचारी है, जो सेविका है, आरोग्य सेविका है, और जो डॉक्टर्स नर्सेस है, उन्होंने अच्छा काम करके अपना घर का कोई घर को बिना देखे या रास्ते पे उतर के काम अच्छे से कर रहे लोगों को सेवा कर रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो मेरे यहाँ की जनता है उनको मैं एक कहना चाहती हूँ, आपको काम कुछ नहीं होगा तो आप घर पे ही बैठिए, कुछ काम हो तो ही बाहर पड़िए। और जो अभी अनलॉक अभी शुरू किया है तो ये अनलॉक में आप काम पे जाएंगे तो भी सुरक्षित जाइए, मास्क लगा के जाइए, सामाजिक डिस्टेंस रखे, आप घर से बाहर निकलिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, ताकि आप अच्छे रहेंगे तो आपका घर के फैमिली अच्छी रहेगी। तो आपसे एक ही जनता से अपील है, जनता से विनती है
कि आप सुरक्षित रहिए और आपका जो काम है बाहर का वो अपना सुरक्षित रह के ही काम करिए। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब जो आदेश दे रहे हैं वो आदेश हमारे विभाग प्रमुख राजेंद्र राउत साहब के माध्यम से हमें मिल रहे हैं और हम उनका ही आदेश का पालन करके हम हमारे एरिया में लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों का जो समस्या है वो सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। लोगों को कोई भी दिक्कत न आवे, जो लोगों को तकलीफ हो रही है और हमें वो प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ तो मैं खुद महानगर पालिके से वार्ड ऑफिसर से कांटेक्ट कर रही हूँ, आरोग्य डिपार्टमेंट से मैं कांटेक्ट करती हूँ। ज़्यादा कुछ और मुसीबत हो तो मैं खुद रास्ते पे उतर के लोगों की सेवा कर रही हूँ। और मैं माननीय आदित्य साहब जो हमारे पर्यावरण मंत्री है, आमदार है, वो भी छोटा से छोटा काम करने का आशा रखते हैं। लोगों को कौन सी मुसीबत है, कौन से मुसीबत में आए, थोड़ा सा भी उनके पास कोई रिपोर्ट आ गया तो तुरंत वो चीज़ पे ध्यान देते हैं और उनकी उनका प्रश्न, उनका समस्या छुड़वाने का काम करते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ जो हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण मंत्री ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र नंबर वन पे जाने के लिए अभी दूरी नहीं है। खाली सिर्फ 6 महीना हो गया है, 6 महीने में हमारा सरकार, हमारा राज्य सरकार अच्छे से काम कर रहा है। तो इस सरकार को मैं शुभेच्छा देती हूँ कि हम उद्धव साहब से कहते हैं कि आपके साथ हम सब है, हमारी यहाँ की जनता आपके साथ है और आप हम सब साथ रह के हम महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। उद्धव साहब के सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो अभी आह्वान किया है रक्तदान करने के लिए, उसको प्रतिसाद देके राजेंद्र राउत साहब युवा प्रमुख के मार्गदर्शन से समीक्षा सक्रिय और 135 शाखा शिवसेना शाखा ने जो अभी रक्तदान का प्रोग्राम लिया है, उसके लिए परिसर के नागरिकों ने जो सहयोग दिया, वो सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ समीक्षा सक्रिय मैडम के माध्यम से। और ऐसा ही सब उनको जरूरत लगने पे साथ देते हैं, उसका भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चाहे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्रातील आज रक्तपिढीचा कमी पुरवठा असल्याकारणाने त्यांच्या सूचनेनुसार विभागप्रमुख राजेंद्र राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच स्थानिक नगरसेवक समीक्षा सक्रे यांच्या प्रयत्नाने मी शाखा प्रमुख उमाजी साळवे मी असं म्हणतो की या महाराष्ट्राला रक्ताची जी अपुरा पुरवठा होता तो आज आम्ही शिवसेना शाखा क्रमांक 135 वतीनं तो आमच्या खारीचा वाटा असं समजून हा आम्ही कार्यक्रम राबवलेला आहे। मी समीक्षाताई सक्रे यांना धन्यवाद देतो की या कोरोनाच्या काळामध्ये अशा उपक्रम राबवल्यामुळे माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या सूचनेनुसार हा कार्यक्रम खरंच जे महाराष्ट्राला रक्ताची अपुरी पुरवठा आहे तो पूर्ण होईल। आमच्या ह्या शिवसेना शाखा क्रमांक 135 माध्यमातून थोडासा आम्ही खारीचा वाटा उचललेला आहे आणि या विभागात कमीत कमी 70 दिवस आले लॉकडाऊनमध्ये आम्ही या 135 कमी सर्व एरियामध्ये सॅनिटायझर पूर्ण बाथरूमचे कुठं या असेल त्या ठिकाणी सॅनिटायझर मारून, ग्लोव्ह वाटून, मास्क वाटून आम्ही मॅडमच्या माध्यमातून पूर्व विभागाला आम्ही ते सहकार्य केले आणि आजचा हा उपक्रम स्तुत्यच म्हणावं लागेल कारण जे आम्हाला कोरोनाच्या काळामध्ये ससा असा उपक्रम कोणी राबवले कुठल्याही पक्षांना राबवलं नाही, पण शिवसेना प्रत्येक संकटामध्ये धावून येते